हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे आज, और चैप्टर हमारा चल रहा है सेट्स। तो उसी चैप्टर को बच्चों आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.5, उसको आज कंप्लीट करेंगे और एक नया टॉपिक भी देखेंगे हम। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो अब क्वेश्चन करने वाले हैं हम आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो अब बच्चों आपको डायग्राम बनाना है इसके लिए, ठीक है। वेन डायग्राम आप बनाएंगे। तो वेन डायग्राम थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि कैसे बनाते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, बना के दिखाए थे, ठीक है। तो उसी तरह से हम वेन डायग्राम, वेन आरेख इनका बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला पार्ट है उसका, देखिए क्या है, ए यूनियन बी और उसका है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। मतलब क्या होता है इसका, पहले मैं एक बारी डायग्राम बनाता हूं, फिर थोड़ा हर डिटेल में हम समझेंगे इसको। कुछ इसी तरह बनाते हैं हम वेन आरेख। अब देखिए, यहां पे मैंने इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। ये जो सर्कल है, एक सर्कल को मैंने, एक वृत्त को ए मान लिया, दूसरे वृत्त को बी। मतलब ए के अवयव ए में होंगे, बी के अवयव बी में होंगे, ये चीज हमने यहाँ पे मान ली है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ ध्यान। यहाँ पे बोला जा रहा है ए यूनियन बी। पहले हम ए यूनियन बी की तरफ ध्यान देते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है। ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, ये पता है। जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मतलब सभी अवयव होंगे। लेकिन अभी ए यूनियन बी की बात हो रही है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है बच्चों, ए यूनियन बी मतलब है कि जो अवयव ए में है और बी में है, दोनों को मिला के जो अवयव है वो होते हैं ए यूनियन बी। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है इनकी, ये जो इसके अंदर अवयव हैं, ठीक है, इसके अंदर जो अवयव हैं इन दोनों के अंदर, वो हो गया ए यूनियन बी। इतना क्लियर है, ए यूनियन बी। पर अब हमसे पूछा क्या जा रहा है उसकी तरफ आप ध्यान देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है अगर हम यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब यूनिवर्सल में से हमें ये चीजें हटानी है बस। तो वो कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए हम वो कर सकते हैं, इसको हमने हटा दिया और जो बाकी के अवयव बचे हैं, ठीक है, बाकी के जो अवयव बचे हैं ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में, ये जो मैं इसको छायांकित कर रहा हूं जिस हिस्से को, ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। ये पूरा बाकी का हिस्सा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। यानी कि अभी हमने अगर रूल पढ़े होंगे आप सबने, हमने रूल पढ़े थे इसके कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, डी मॉर्गन रूल सबने पढ़े थे, तो उसमें क्या कहा जाता है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो बच्चों यही तो हमसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछा गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन इसको तो हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट है। मतलब जैसे हमने पहले वाले में वेन डायग्राम बनाया है, वैसे ही हम दूसरे वाले में भी सेम वेन डायग्राम बनेगा। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से आप पूछ
पूछ सकते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह बच्चों हम थर्ड और फोर्थ भी करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन करें। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक क्या होगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो एक नया डायग्राम हम बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक हमें देखना है। तो ये किस तरह हम कर सकते हैं, ये दोनों ए और बी हो गए, समुच्चय ए और समुच्चय बी, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कौन सी चीजें कॉमन है हमें वो बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन सिर्फ यही है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। लेकिन अब बोला गया है कि इसका पूरक कर दो, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी में जो चीजें हैं अगर यूनिवर्सल सेट में से वो चीजें हटा दें तो बाकी बचे चीजें हो जाएंगी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह हम करेंगे इसको, मतलब इनको हम हटा देते हैं और जो चीजें बाकी बचेंगी, बाकी कौन सी बची, तो ये सारी चीजें देखिए, ये सारे अवयव जो जो कॉमन एरिया को छोड़ के होंगे, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे अवयव, इनको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बस जो ए और बी का कॉमन पोर्शन बच जाएगा, ये बीच वाला जो बचा हुआ है, मैं इसको दूसरे कलर से कलर कर देता हूं, तो आपको थोड़ा अच्छे से ये समझ में आएगा। इसको हम ग्रीन से कर देते हैं। तो ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है इसको हम हटा देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरा। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है, फोर्थ पार्ट में कि ए इंटरसेक्शन, इसका यूनियन ए और बी के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन हम निकालते हैं तो इसका डायग्राम बनाओ। तो फिर से डी मॉर्गन रूल यहाँ पे आ जाता है, और डी मॉर्गन रूल में हमने क्या सीखा था कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इसको भी लिखेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और बच्चों किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहां पे बोला गया है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। मतलब क्या हुआ इसका, कि समतल मतलब कोई भी प्लेन यहाँ पे
बोलने का मतलब है किसी भी प्लेन में अगर सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिया जाए तो उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में मतलब क्या आ गया कि किसी प्लेन में जितने भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो यूनिवर्सल सेट में आ गए। समझ गए? यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स। All triangles in plane, in a plane, किसी भी समतल एरिया में जो भी त्रिभुज है सबका सेट को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट हो गया यहाँ पे। दूसरा बोला जा रहा है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो A डैश क्या है, ये आपको बताना है। तो ए यहाँ पे क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। तो बताइए बच्चों कि 60 डिग्री से अलग मतलब इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये चीज आप समझिए। क्या आपको समझ में आई है कि क्या मतलब है इसके इसके कहने का? अब यहाँ पे एक त्रिभुज की मदद से हम समझते हैं, ट्रायंगल की मदद से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल 60 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर कम से कम एक कोण 60 डिग्री हो, तो मान लीजिए ये हो सकता है, और अगर दो कोण 60 डिग्री हो तो हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये बोला गया है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है ये बताया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक ही कोण 60 डिग्री का होगा बच्चों, ठीक है। तो एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री का मैंने बना दिया, इस तरह से हो सकता है। बाकी दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि बाकी कोण क्या हो सकते हैं। बस इसमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि 60 डिग्री से अलग कम से कम एक कोण तो होना चाहिए भाई। तो एक कोण मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री से अलग, जैसे मैंने लिख दिया 100 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री से भिन्न हो गया तो मतलब ये सेट ए में आएगा, ये समुच्चय ए में आ जाएगा अगर एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होगा तो। तो बच्चों दूसरा कोण तो अपने आप भिन्न हो गया, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण 60 डिग्री के हो गए, इसका मतलब तीसरा भी 60 डिग्री का होना तय है। इसीलिए अगर कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होगा तो मतलब दो कोण 60 डिग्री से भिन्न होंगे, ये चीज आप समझें। तो अगर ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज का पूरक निकालते हैं, इस त्रिभुज का अगर हम पूरक निकालते हैं तो क्या आ सकता है? यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए, और अगर देखिए कि वो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न नहीं होगा तो मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा ये, जिसके तीनों तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री के होंगे, वही कोण बनेगा, वही त्रिभुज यहाँ पे बनेगा जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। और तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे बच्चों, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। तो ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा वो होगा, समुच्चय होगा, ये सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि ए में क्या है, ए में समबाहु त्रिभुज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें बोल दिया कि एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इसीलिए यहाँ पे ए की ए डैश की बात करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ए के पूरक की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सभी सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है ये। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था आपका, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत सारे किए हुए हैं, उदाहरण के साथ साथ भी किए हुए हैं हमने। तो यहाँ पे जो चीजें की हैं आपने, यहाँ पे जो चीज देखी है वो तो हम बहुत बारी कर चुके हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ये त्रिभुजों को लेके कॉन्सेप्ट था। तो अगर ट्रायंगल के बारे में आपको अच्छे से आता है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
तो इसको बच्चों आप नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां पे बोला गया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे जो कथन आपको दिए गए हैं उनको ट्रू बनाने के लिए, सही करने के लिए आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आपको एक बारी रिवाइज करनी पड़ेगी। हमने कुछ नियम किए थे, ठीक है, उन्हीं को आप एक बारी अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से आ जाएगा। क्या था, मैंने देखो मैं बिल्कुल डिट्टो चीज लिखता हूँ जो हमने यहाँ पे की थी, तो उसकी मदद से आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा था पूर्वकों के कुछ गुणधर्म, पूर्वकों के कुछ गुणधर्म की हम बात कर रहे थे बच्चों। तो हमने ये सारे नियम गुणधर्म यहाँ पे सीखे थे, लिखे थे बच्चों, ठीक है। तो उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है, हमें क्या करना है कि पहचानना है कि ये किसके बराबर हो सकता है, बस इतनी सी बात है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जहां पे पहले क्वेश्चन का सवाल आता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और ए डैश का यूनियन, मतलब एक तो सेट ए हो गया, सेट ए हो गया, ठीक है, और ए का पूरक हो गया। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, जो सेट ए हो गया, ठीक है, जो सेट ए हो गया तो इसका पूरक क्या होता है, जो अवयव सेट ए में नहीं होंगे, जो अवयव सेट ए में नहीं होंगे, यूनिवर्सल सेट के जो अवयव अवयव सेट ए में नहीं होंगे वो सेट ए डैश में आ जाएंगे। मतलब इन दोनों के अगर हम अवयव मिला के लिखते हैं तो वो किसके बराबर आएंगे, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएंगे। किसके बराबर आएंगे, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएंगे बच्चों। तो इसी तरह हमें बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। एक बारी मैं चाहता हूं कि आप उन नियम को याद रिवाइज करें और इसको एक बारी करके देखें, देखते हैं किस किस को वो नियम याद हैं जो हमने पूर्वकों के गुणधर्म किए थे। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए और किसका क्या आंसर आता है आप कमेंट में मुझे बताइए जल्दी से। आप करके जो भी आंसर आपको आपके आते हैं पार्ट के साथ आप आंसर लिखेंगे कि सेकंड पार्ट का कौन सा आंसर आता है, थर्ड का और फोर्थ का, और आप कमेंट में लिख के भेजेंगे। तो देखते हैं चलिए किस किस के आंसर आते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब जो जो आपके आंसर आए हैं आप अपने आंसर्स को बच्चों मैच करते चलिए, ठीक है, क्या करते चलेंगे आप, मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए ए और ए डैश का इंटरसेक्शन जब होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए डैश और ए का इंटरसेक्शन हम क्या बोलेंगे। तो बच्चों आप खुद सोच के देखिए, ए में और ए डैश में, मतलब ये दो हमारे पास समुच्चय हैं, क्या इनके अवयव कभी कुछ कॉमन हो सकता है, ये बताइए मुझे। इंटरसेक्शन मतलब दो अवयव में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे, तो ए और ए के पूरक में कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। इतने सारे क्वेश्चन किए थे हमने पूरक के, तो आपको पता होना चाहिए ये, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसलिए इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, फाई से रिप्रेजेंट इसको हम कर देंगे। और देखिए बच्चों जो यहाँ पे क्वेश्चन आता फाई डैश को अगर हम किसके साथ करेंगे, इंटरसेक्शन फाई डैश का करेंगे ए के साथ, तो क्या आ सकता है बच्चों। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी जरूरी है, ठीक है, ये भी एक गुणधर्म में आता था कि अगर फाई डैश है तो फाई डैश का मतलब क्या है बच्चों, फाई मतलब एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट का अगर पूरक करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल यूनिवर्सल सेट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम एम्प्टी सेट को हटा देंगे तो ये एम्प्टी सेट का पूरक हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा इसका पूरक, इतना क्लियर है। तो फाई डैश और ए का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, इंटरसेक्शन मतलब यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे सीधे सीधे। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए ही तो कॉमन आएगा, यूनिवर्सल सेट में और ए में ए कॉमन आएगा। इसी तरह फोर्थ वाला पार्ट देखिए कि यू डैश है और ए है,
इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जो यू डैश है वो किसके बराबर होता है। यू डैश मतलब इसको हम फाई के बराबर लिख सकते हैं, यू डैश को हम फाई के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों? क्योंकि यूनिवर्सल में तो सभी सेट होते हैं, तो उसका पूरक क्या हो गया? कोई भी अवयव नहीं होगा उसमें, तो वो फाई हो जाएगा। और अगर हम फाई को और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कॉमन क्या आएगा? कॉमन बच्चों कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए ये भी फाई हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इनको हम करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम एक नई चीज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है। उस एक नया सूत्र करेंगे हम, और अब देखिए अब बहुत ही जरूरी चीजों पे हम आ रहे हैं। धीरे धीरे हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं समुच्चय के, सेट के। तो अब हम ये करेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, हम इस चीज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ पे अब सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पास जनरल क्वेश्चन आएंगे और उनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं टॉपिक लिख देता हूँ सबसे पहले हेडिंग, और उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दो समुच्चयों के सम्मेलन दो समुच्चयों के सम्मेलन और तर्कनिष्ठ सम्मेलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न आप करेंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या करेंगे यहाँ पे आप? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि जो दो समुच्चय हैं वो कौन से हैं। इस पे जो मेन हमारा फोकस होने वाला है, एक सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे और वही सूत्र आपके हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो सूत्र को आप ध्यान से समझिए, जो वो सूत्र हम लिखेंगे, वो जो चीजें हमने की है उन्हीं से वो सूत्र आया है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, और ये फॉर्मूला क्या हो सकता है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो परिमित समुच्चय मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? माना दो परिमित, परिमित मतलब इसको हम फाइनाइट बोलते हैं। तो दो फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, समुच्चय मान लेते हैं हम ए और बी। ये बच्चों आप कर चुके हैं फाइनाइट सेट्स, परिमित समुच्चय क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो परिमित समुच्चय हैं ए और बी। तो हम अगर सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखने जा रहा हूं बच्चों मैं, ध्यान से इसको देखेंगे कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस, ये यहां पे हो जाएगा बच्चों, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही जरूरी सूत्र है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों आपके लिए, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है बहुत ही ज्यादा। तो इस फॉर्मूले के आप ध्यान में रखें। तो यही फॉर्मूला है बच्चों जो आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। तो इस फॉर्मूले की और आप फोकस करें, और
इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रिवाइज करें, याद करें, क्योंकि जित जो भी क्वेश्चंस होंगे एक और सूत्र होगा, पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही सूत्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, समुच्चय बी की बात हो रही है, और ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। बस यहाँ पे साइन का आप ध्यान रखें कि ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को आप अच्छे से याद करें, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो अभी के लिए आपका सिर्फ इतना होमवर्क है कि जो ये फॉर्मूला है इसको अच्छे से आप याद करें। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं यहाँ पे और जो लास्ट में फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उस उनको आप अच्छे से, फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करें और क्वेश्चंस को आप दोबारा जरूर करें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।